नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड और भारत के T20 सीरीज की शुरुआत 24 जनवरी से हो रही है। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड में भारत का T20 रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है और 5 मैचों में सिर्फ एक जीत मिली है। यह पहला मौका भी होगा जब भारतीय टीम 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है। इसी वजह से फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकता है। न्यूजीलैंड और भारत के पहला मैच ऑकलैंड के इडेन पार्क में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:20 पर शुरू होगा। मैच के लिए टॉस 11:50 पर होगा। 24 जनवरी को ऑकलैंड के आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, वहीं सबसे कम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूजीलैंड में होने वाले मैचों में हवा बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन यह स्टेडियम सभी तरफ से घिरा हुआ है और इसी वजह से हवा का असर कम देखने को मिलेगा। इडेन पार्क की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी आसान मानी जाती है। इस मैच में भी बड़े स्कोर देखने को मिल सकता है। इसी मैदान पर 2018 में न्यूजीलैंड ने 243 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस मैच में भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 से ज्यादा का स्कोर आसानी से बना सकती है। इस स्कोर को डिफेंड करना भी बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत ने 2019 में यहां हुए मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले T20 सीरीज को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप हॉटस्टार पर भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही जियो टीवी पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। और दोस्तों, पहले T20 मैच के लिए कुछ इस तरह हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।